और डिस्कस करते हैं। टेक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ वाई लिमिटेड। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? परचेजर की बनाते हैं हम, तो हम बुक्स बना रहे हैं एक्स लिमिटेड। तो हमें हेडिंग देनी चाहिए जर्नल इन द, पहले होता है जर्नल, उसके नीचे लिखते हैं बेटर प्रेजेंटेशन, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये ध्यान रहना जरूरी है, हम परचेजर हैं, एसेट्स के या बिजनेस के। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6,60,000 एक्स लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। एक्स लिमिटेड टुक ओवर 7 लाख एसेट्स हैं, 60,000 लाइबिलिटीज हैं, परचेज कंसिडरेशन है 660। एक्स लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन, दो स्टेप्स होते हैं, पहला बिजनेस टेक ओवर करना, दूसरा सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो। कहानी पूरी एक साथ क्यों मेरे को दिमाग पे लेके चलनी, पढ़ लिया बहुत अच्छा लगा ओके, बट बिजनेस टेकन ओवर का सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो दो अलग स्टेप्स हैं सेम ट्रांजैक्शन के। तो पहले बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, तो बिजनेस टेकन ओवर की एंट्री क्या होती है, एसेट्स डेबिटेड टू लाइबिलिटीज टू द अदर पर्सन। बट उससे पहले मुझे ये देखना होता है कि कहीं कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, वर्किंग नोट बनाना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू क्या है, 660, 7 लाख। क्या है ये, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है 60,000, कितना हो गया 6,40,000 वैल्यू ऑफ द बिजनेस। परचेज कंसिडरेशन कितनी 660, आप 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो गुडविल हो जाएगी 20,000, 660 माइनस 640 इज इक्वल टू 20,000। कोई भी डाउट, क्लियर? अब ध्यान से देखना, तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं, सन्ड्री एसेट्स डेबिटेड कितने के 7 लाख, गुडविल आई है 20,000, गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना 20,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 660, सॉरी 60,000, यहाँ गिवन है ना लाइबिलिटी 60,000 टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के कितने पैसे देने हैं 660। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करेंगे तो यहाँ पे नरेशन हो जाएगी, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड टेकन ओवर एट अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 660 या फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 660। स्टेप वन, क्या इसमें कहीं यूज हुआ कि जो मैंने डिबेंचर्स दिए वो बाहर पे थे, प्रीमियम पे थे या डिस्काउंट पे थे? नहीं, तो मुझे वो कहानी ब्रेक करनी भी आनी चाहिए। अब इस इन्फॉर्मेशन से बस मेरा अब क्या यूज होने वाला है, मैंने किसी के 6,60,000 देने हैं, अब फर्क नहीं पड़ता कि एसेट क्या थे, गुडविल क्या थी, क्या नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम की चीज क्या हो गई, ये। तो सेकेंड स्टेप में और कुछ यूज नहीं हो रहा, परचेज कंसिडरेशन यूज हो रही है। अब मैंने किसी के 6,60,000 देने हैं, अब मैंने उससे मशीन खरीदी हो या पहाड़ खरीदा हो या बिजनेस करा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी 660 की करनी है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दिए, तो डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो सिंपल सा वर्किंग नोट नंबर टू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट पेबल, परचेज कंसिडरेशन, जरूरी नहीं होता परचेज कंसिडरेशन और अमाउंट पेबल हमेशा सेम हो, क्यों, परचेज कंसिडरेशन थी 660, अगर आपने 1 लाख चेक से दे दिए तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए तो 560 यूज होगा ना, तो थोड़ा प्लीज मतलब लकीर के फकीर नहीं बनना, मतलब डोंट बी रिजिड इन योर अप्रोच की सर फॉर्मूला तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस है,
ऑब्वियसली बात है कि मतलब वही कह रहे कि कितने डिबेंचर्स देने हैं, तो जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वही ना। तो अगर मैंने कोई पेमेंट चेक से कर दी या बिल्स एक्सेप्ट कर लिया तो उतने पैसे माइनस हो जाएंगे अपनी बैलेंस लाइबिलिटी निकालने के लिए, प्लीज ध्यान रखेंगे। तो अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कितने पैसे देने हैं 660, इशू प्राइसेस 10% प्रीमियम 110, 6,000 डिबेंचर्स प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड डेबिटेड टू, कौन से हैं ये डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने पैसे देने थे 660, तो 6 लाख के डिबेंचर्स में कैसे काम हो गया, क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पे, इजी बट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वही जो बात अभी आपको सिखाने की कोशिश करी आप अपने आप करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट क्या, पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। वाई लिमिटेड, वाई परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तो हम कौन है, वाई लिमिटेड, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, वाई लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 60 लैक्स एट 84, समझ आई बात, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 40 लाख एट 36 लाख, बोला था ना बोर्ड्स में आया था, तो घुमा दिया। बट सिंपल सी बात है कि जिस वैल्यू पे लिए गए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, अग्रीड वैल्यू, तो 84 क्या थी, अग्रीड वैल्यू, तो हर एक चीज के केस में आप क्या लेंगे, अग्रीड वैल्यू। द परचेज कंसिडरेशन वॉज 1 करोड़ 10 लाख, तो आपने बिजनेस कितने में टेक ओवर करा, 1 करोड़ 10 लाख, पेमेंट वॉज मेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹20 लाख, तो 20 लाख का तो आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल, बैलेंस दिया डिबेंचर्स में, तो जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑफ 8%, रिमेनिंग 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो जो बैलेंस है वो डिबेंचर्स के थ्रू सेटल हो रहा है, एंड द डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम, डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम, कोई डाउट, कर रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बट मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अब बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, अब फॉलोइंग एसेट्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग परचेज, प्लांट एंड कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यूएशन करें, 120 आ रही है, 84 प्लस 36 120, परचेज कंसिडरेशन 110, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सब उस स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हों अभी फर्स्ट टाइम, ठीक है, वर्किंग नोट। सर हमें कैसे पता लगेगा कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा, जरूरी नहीं है होगा, जीरो आया तो नहीं होगा, ठीक है ना, आप कैलकुलेट हर बारी करेंगे जब भी कोई आप मल्टीपल एसेट्स या बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, सिंगल परचेज एसेट्स लिखा है सर, वो सन्ट्री एसेट्स है, लेकिन अगर मल्टीपल एसेट्स हैं तो प्लीज, और परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू भी आ रही है तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकेंड लगता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट्स 84 लाख, 36 लाख, अग्रीड वैल्यू लेंगे, आ गया था ऊपर फॉर्मूले में भी बताया था, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख, और परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 1 करोड़ 10 लाख, आपका काम तो कम में हो गया, 1 करोड़ 20 लाख के एसेट्स आपने 1 करोड़ 10 लाख में ले लिए, प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ 20 लाख के एसेट्स आपने 1 करोड़ 10 लाख में ले लिए, प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, रूटीन नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, तो वो कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्या लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, घबरा आ जाती है बेचारी की एकदम से, क्या हो गया, मैं लिया हूँ क्या ऑफलाइन, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड टू, किससे लिया हमने,
एक्स लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व। समझ आई कहानी कैपिटल रिजर्व की? पर कहानी तो समझ आई, स्पेलिंग समझ नहीं। कैपिटल रिजर्व यहाँ पे क्या देखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। अब एक एक करके, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपने कितनी लगाई? 84। प्लांट एंड मशीनरी की 36। ये क्या वैल्यू लगाई? आप तो उसको 1 करोड़ 10 लाख दे रहे हैं। कह रहे ये तो फायदा हुआ हमारा। कितना फायदा हुआ? 10 लाख्स का। कोई भी डाउट? अब मैंने उसके 1 करोड़ 10 लाख देने हैं, तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल ही अलग कहानी होगी ना, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। फिर वही अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय, अब समझ आएगा आपको अमाउंट पेबल और परचेज कंसिडरेशन में फर्क क्यों? क्योंकि मैंने देने थे 1 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 20 लाख का तो मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जब मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालूंगा, तो 1 करोड़ 10 लाख माइनस 20 लाख, 90 लाख्स पे निकालूंगा या पूरे 1 करोड़ 10 लाख्स पे? 90 लाख। 90 लाख्स पे। तो अभी समझ आया कि अमाउंट पेबल बेटर प्रेजेंटेशन की हो जाएगी, क्योंकि एट टाइम्स परचेज कंसिडरेशन इज डिफरेंट एंड अमाउंट पेबल इज डिफरेंट, एंड वी आर सेटलिंग डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट पेबल। तो वर्किंग नोट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, एक सेकेंड, टू बी इशू। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल कितना था? 1 करोड़ 10 लाख्स, जिसमें से हमने 20 लाख्स दे दिए, 20 लाख्स दे दिए, और डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 120। तो कितने रुपए देने हैं? 90 लाख्स डिवाइडेड बाय 120, 6 × 20, 6 × 15, 7। शांति। 75,000। 75,000 क्या है ये? 75,000 डिबेंचर्स। अब ध्यान से देखना, किसको पैसे देने हैं मैंने? एक्स लिमिटेड प्रीमियम पे है। टू कौन से डिबेंचर्स हैं? 8% डिबेंचर्स। टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने रुपए देने? सॉरी, 20 लाख्स हम बिल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल नीचे वो कैल। अब देखना, चलो मैं भूल गया, ठीक है ना, मैं भूल गया। ये भी तो देखना ना कि कैसे पता चलेगा हमें कि अगर कोई गलती हो गई हमसे। हमने एक्स लिमिटेड के कितने पैसे देने हैं? 1 करोड़ 10 लाख, यस और नो? अब डिबेंचर्स हमने कितने निकाले हैं? 75,000 ऑफ 100 ईच, तो यहाँ कितना आ गया? 75 लाख्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000, प्रीमियम इज 20%, तो 15 लाख रुपए हो गया। ये तो सर 90 लाख्स आया। डेबिट्स और क्रेडिट्स तो मैच ही नहीं कर रहे, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना, कि मतलब आपको दिखना, आगे नहीं बढ़ जाएंगे ऐसे आंख बंद करके, तो इतना साथ साथ दिखना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुए हमारे। क्यों मैच नहीं हुए? क्योंकि भाई साहब आपने बिल्स भी एक्सेप्ट करे थे, तो बिल्स पेबल अकाउंट कितना? 20 लाख्स। इजी बट इंटरेस्टिंग। स्कोरिंग प्लीज साथ साथ ध्यान से करें।